press the bell icon on the YouTube app and never. क्या वो कोई मुआयदा कर सकते हैं आज गंडापुर अगर ये चाहे या ममता बनर्जी चाहे कि ये बांग्लादेश के या वो अफगानिस्तान के स्टेट के साथ कोई एग्रीमेंट कर ले तो क्या उसके लिए ऑथोराइज्ड है? नहीं है, नहीं है. एग्रीमेंट हमेशा वफाक ही करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है. लेकिन क्या चूंकि स्टेट को प्रोवोक करना है, पब्लिक को चूरन बेचना है, पब्लिक वैसे ही चमन है, खरीदती भी है ये इस तरह का चूरन जो है. मगर यहाँ पे तो सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे. आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे. तो आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे वैभव सिंह जी जो कि एक जबरदस्त जियो पोलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं और पाकिस्तान की बैंड बजाने में उनको माहिर माना जाता है. तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा. तो इस चैनल तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें. तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे. जय हिंद जय भारत. मोदी साजिश कर रहा है, मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है, हमारे दीन के खिलाफ साजिश हो रही है. तो किसी भी इस्लामिक जो एक मुआशरा है, जो समाज है, अच्छा मुझे नहीं समझ में आता कि मुसलमानों के पास ऐसी क्या चीज है. तुम दुकान में बैठ के पंचर लगा रहे हो, तुम्हारे खिलाफ क्या साजिश करनी है किसी को? कहते तुम्हारी जमीनें ले लेंगे, उसके पास जमीन है नहीं, वो तो भाड़े की दुकान पे चलाता है, किराए के घर में रहता है, उसके पास है क्या कि उसका ले लेंगे, तुम्हारे कब्रिस्तान ले लेंगे. उसके पास जनाजा उठाने वाले चार लोग नहीं है. और मुझे बताइए अगर कोई कब्रिस्तान ले भी ले तो क्या कभी कोई कब्रिस्तान पे घर बनवाता है? कब्रों के ऊपर घर कौन बनवाता है? कोई बनवाता है तो जमीन लेके करना क्या, अचार डालना है उसका? तुम्हारे कब्रिस्तान लेके क्या करूंगा मैं, सरकार क्या करे? तो ये पाकिस्तान में भी यही है कि इमरान खान के खिलाफ साजिश हो रही है. जो सामने वाले अब वो बताइए अफगानिस्तान के काउंसिल जनरल से मीटिंग कर रहा है अली बिन गंडापुर, इनवाइट कर रहे हो ना तुम, प्रोवोक कर रहे हो स्टेट को कि रियासत जो है तुम्हें अरेस्ट करे, तुम्हारे पर आर्टिकल 6 लगे. आज इंडिया में कोई भी स्टेट का मुख्यमंत्री जो आप क्या चीफ मिनिस्टर कहते हैं वो उठे और वो कहे कि या वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, वो कहे बांग्लादेश के प्रेसिडेंट से मैं खुद डायरेक्ट बात करूंगी, कर ले बात, फोन उठाए बात कर ले. लेकिन वो कहेंगे कोई स्ट्रेटेजिक इशू डिस्कस करेंगी, बॉर्डर के इश्यूज डिस्कस करेंगी, सिक्योरिटी इश्यूज डिस्कस करेंगी, जाकर के वहां पे जो कलकत्ता में जो उनका जो कौंसुलेट है बांग्लादेश का वहां पे जाकर के वहां के कौंसुल जनरल से मिले और स्टेट को परमिशन ना ले, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म ना करें. तो क्या ये पॉसिबल है इंडिया में? नहीं पॉसिबल है. क्या कोई मुआयदा कर सकते हैं आज गंडापुर अगर ये चाहे या ममता बनर्जी चाहे कि ये बांग्लादेश के या वो अफगानिस्तान के स्टेट के साथ कोई एग्रीमेंट कर ले तो क्या उसके लिए ऑथोराइज है? नहीं है. नहीं है. एग्रीमेंट हमेशा वफाक ही करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है. लेकिन क्या चूंकि स्टेट को प्रोवोक करना है, पब्लिक को चूरन बेचना है, पब्लिक वैसे ही चमन है, खरीदती भी है ये इस तरह का चूरन जो है. मगर यहाँ पे तो सब लोग ये समझ रहे हैं कि इन्होंने बड़ा आर्मी को और जो एजेंसी है उन्हें बैकफुट पे कर दिया है. मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं हम किसी की एक्सटेंशन नहीं होने देंगे और ये एक्सटेंशन होने की जो रिवायत पड़ी है वो हम बंद कर देंगे. साथ जो सेनेटर मुश्ताक हैं वो कह रहे हैं कि जी यहाँ पर हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे केपीके में. पुलिस जो बैठी है वो कह रही है फौज निकल जाए केपीके से. तो कहीं ना कहीं तो मुश्किल नहीं आ रही है इन लोगों को, फौज को इस वक्त? मुझे नहीं लगता है. देखिए जो स्टेट की पावर होती है ना, स्टेट बहुत बड़ी होती है, स्टेट की पावर बहुत बड़ी होती है, ठीक है. और मौलाना साहब को कन्विंस करना आपकी स्टेट के लिए बहुत आसान है. मौलाना साहब क्या ईमानदार आदमी है, ठीक है, सबको पता है मौलाना कितने ईमानदार है. मौलाना को सही डील मिल जाएगी, मौलाना मान जाएंगे. भाई बाजवा को एक्सटेंशन उन्होंने दी जिन्होंने मतलब जिनको निकाला था बाजवा ने, जिनको जेल भेजा था बाजवा ने, जिनकी बेटी को जेल भेजा था, जिसकी बीवी मरती हुई बीवी की शक्ल नहीं देखने दी थी जिस इंसान को, उस इंसान ने बाजवा को एक्सटेंशन दी थी क्योंकि डील सही मिल गई थी, ठीक है.
तो जब आपको डील सही मिल जाती है तो ठीक है, फिर घुमा फिरा के बात उसी पाकिस्तानी कैरेक्टर पे आएगी। इमरान खान क्या मांग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट उससे बात करे, जो हो गया सो हो गया, उसे मट्टी डाले और अब न्यूट्रल हो जाए, पीटीआई को पॉलिटिक्स करने दे अपनी, सबको अपनी पॉलिटिक्स करने दे और एस्टेब्लिशमेंट दूर हट जाए। भाई एस्टेब्लिशमेंट नहीं मान रही ना, जितने भी पीटीआई वाले हैं या टीवी पर जितनी बातें करते हैं, जैसे ही कैमरा ऑफ होता है सबसे पहला काम क्या करते हैं, जाके एस्टेब्लिशमेंट के पांव ही पकड़ते हैं ना। भाई कौन है मर्दे मुजाहिद इन इन सब में से? मुझे उस मर्दे मुजाहिद का एक नाम चाहिए कि ये है, ये कर देगा। ये गंडापुर जो फौज से लड़ने की बातें कर रहा है, एक शराब की बोतल पे भाग गया था, आपने देखा था वो वीडियो? वो जो शहद की शराब बता की रहे बोतल, थे, वो शहद की बात में बता रहा था, लेकिन भाई शहद की बोतल थी तो क्यों भाग रहा था? तो शराब की, एक शराब की बोतल पकड़ी गई तो गाड़ी छोड़ के भागा, ठीक है। वो डब्बू वो भी बड़ी बड़ी बातें करता था कि तेरा बाप भी देगा आजादी, सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसने, ठीक है, और वो भी भागा था ऐसे ही गाड़ी से निकल करके। ये पूरा पूरा पाकिस्तान का, ये जो पाकिस्तानी, स्पेशली जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं, ये उनका कैरेक्टर है, बढ़ के मार देते हैं और जैसे कैमरा ऑफ होता है सबसे पहले पांव पकड़ते हैं। और ये बातें आपके यहाँ पे जो स्टैब्लिशमेंट है उसको पता है कि किसकी किसकी रीढ़ की हड्डी में कितना दम है, उन सब की तो सीढ़ियां बनी हुई है, वो कितने तहज्जुद गुजार हैं, वो कितने ईमानदार हैं, वो कितने जो है कि अमल पसंद है, सबको पता है इनके शौक क्या क्या हैं, इनके ऐब क्या क्या हैं। ऑडियोज आई थी ना इमरान खान की, सुनी थी आपने? वो सुनी आप चला नहीं सकते थी। चैनल पे, कोई भी नहीं चला सकता, मैं नहीं चला पाया डिफेंस ऑफेंस पे। इतनी घटिया और इतनी गंदी बातें, और औरतों से कर रहे हैं, आदमियों से भी कर रहे हैं। तो अब बताएं, तो अब ये इस्लामिक रियासत, मतलब कहते इस्लामी अब ये जमहूरिया मत बोल पाकिस्तान दिएगा बकरियों से भी कर रहे हैं, इसलिए कुछ पता नहीं। नहीं भाई, राणा सनाउल्लाह ने तो बैठ करके हामिद मीर के शो में बोला ना कि मैंने एज अ होम मिनिस्टर वो वीडियोस देखी हुई हैं, और वो वीडियोस रिलीज इसलिए नहीं हुई, उसका जब रीजन था तो उन्होंने उन्होंने कहा कि हम इस पे नहीं बोलूंगा। उन्होंने बोला नहीं, मैं, हमारे एक दोस्त हैं, उनको हमने इस्लामाबाद में, हमने उनको फोन करके पूछा, मैंने कहा था ये रिलीज क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि यार वो इसलिए रिलीज नहीं कर रहे क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि यार ये वीडियो रिलीज कर दी वो भी मर्द के साथ खान साहब की, तो ये बात हो जाएगी कि यार फिर इस्लामिक वर्ल्ड में हमारा क्या इमेज जाएगी कि यार इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ओनली न्यूक्लियर पावर, इकलौता इस्लामिक मुल्क जिसके पास न्यूक्लियर बम है, उसका जो वजीर आजम है वो इस तरह की हरकतें करता है, फिर तो ये इस्लामी जमहूरिया नहीं रह जाएगा ना फिर तो। हम तो दुनिया को, हम तो हिंदुस्तान के और कश्मीर के मुसलमानों को इस्लाम सिखा रहे हैं, हम दुनिया के मुसलमानों को इस्लाम सिखा रहे हैं, और हमारे यहाँ जो लीडर है, आवाम जिसके पीछे खड़ी है, उसके लिए मर्द और औरत सब एक जैसे ही है, और उनकी वीडियोस आई हुई है, तो इस बात पे नहीं हुआ। तो सब उनको पता है कि ये कौन लोग है, कैसे लोग है, कितना इनके अंदर सब्सटेंस है। आप मुझे बताएं, ये पीटीआई वाले बाहर भागे हुए हैं, ये मोहित पीरजादा और ये जो बाकी के सारे हैं, आए ना पाकिस्तान, खान जेल में, तुम अमेरिका में हो भाई, हाँ खान जेल में, तुम अमेरिका में, खान के साथ खड़े हो ना जाकर के जेल में। ये जितने बाहर बैठे हुए हैं, बाहर निकल करके बातें कर रहे हैं, ये जाएंगे जेल में। आपको याद है जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, हुकूमत थी, और जब इलेक्शन नहीं हुए थे, इवन जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी तब की भी बात कर रहा हूं मैं, तो कैसे बैठ करके ये टीवी पे इनके स्पोक्स पर्सन कहते थे कि घर में घुस के मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उनमें से एक नहीं दिखता, अब उनमें से एक दिखता ही नहीं है, सोशल मीडिया पे भी नहीं है। तो वो उस्मान डार था, उस्मान डार कहाँ है पता बिल्कुल है आपको? ठीक नहीं, कहीं नहीं, नजर ही नहीं आ रहे। वो तो है, तो मुराद सईद ही मिल रहे, लोग कह रहे मुराद सईद, बोल के वही नहीं, वार्डा ने कहा मुराद सईद आ गया। तो भाई मुराद सईद को तो बेस्ट मिनिस्टर का अवार्ड मिला है साल दर साल, ठीक है, और क्यों मिला है सबको पता है, ठीक है, सही वो तो रेहम खान ने अपनी किताब में लिखा है ना भाई, इमरान खान की बीवी ने अपनी किताब में लिखा है कि मुराद सईद
कितना फेवरेट था इमरान खान का और किन कारणों से था, किन रीजन से था, ठीक है? तो देख ले, वो भाई मैं क्या बोलूं, जो उसकी वाइफ है, जो उसके जिसने उसका बेडरूम शेयर किया है, वो बता रही है। लेकिन आवाम को क्या है, आवाम को वही चाहिए लीडर। तो हम अपनी आवाम का दिमागी तवाजुन देखें कि ये अपनी आवाम किस टाइप की है, ठीक है? जिसकी बीवी बता रही है, कहते जी ये भी साजिश है, उसकी ऑडियोज आ गई साजिश है, उसकी वीडियोज आ रही है साजिश है, उसकी बीवी कह रही है साजिश है, ठीक, सब कुछ साजिश है। तो साजिश मगर दूसरे लोग भी तो कोई ऐसे नहीं है ना कि जिनको कहा जाए कि ये बड़े क्लीन है। मैं कहता हूँ क्लीन नहीं है, लेकिन इतना डर्टी भी तो नहीं है। डर्टी है, दिक्कत ये है। और पाकिस्तान में तो क्लीन आपको मिलेगा नहीं भाई, जहां पे मस्जिद के सामने चप्पलें सेफ नहीं है, जिस मुल्क में बकरियां सेफ नहीं है, मतलब आप बताएं मुझे वहां पे यार आप क्या ढूंढ रहे, क्या ढूंढने निकली हैं आप वहां पे? ढूंढने निकली हैं कि कोई ग्लोबल, अच्छा उस आवाम का क्या है कि उस आवाम को ना पूरी उम्मा का लीडर बनना है, ठीक है? इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान का लीडर थोड़ी था, वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर था। उसको पीटीआई वाले, पाकिस्तान वाले उसको उम्मत मुस्लिमा का लीडर बता रहे थे। तो अगर उम्मत मुस्लिमा का लीडर अगर बाइसेक्सुअल हो सकता है, ठीक है, तो मुबारक हो। फिर तो इस दुनिया में जितने यहूदी हैं उससे अलग खुश तो होंगे ही नहीं कभी को, ठीक है? क्योंकि अगर ऐसे ही लीडर आ गए फिर तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू कासमी जी के मजेदार सवाल और वैभव सिंह जी के दिए हुए दमदार जवाब आपको काफी पसंद आए होंगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी नॉलेजेबल और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।